कांकेर से आ रही है बड़ी खबर। गोवंश हत्या का बड़ा मामला। आज जिला मुख्यालय कांकेर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मरकाटोला से आया, जहां आरोपियों को पकड़कर खुलासा किया गया। आज कांकेर जिले से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मरकाटोला से आया, जहां 7 से 8 लोग मिलकर गोवंश हत्या कर उसके मांस को पकाकर खाने के फिराक में थे। ग्रामीणों के द्वारा विरोध करते वीडियो जारी कर बजरंग दल को सूचित किया गया। इसके पश्चात आरोपियों को गोवंश की हत्या का खुलासा सामने आया। बजरंग दल के द्वारा कांकेर जिले के अंतर्गत कुरारा थाने को सूचित करते हुए 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस जांच में जुट गई है। जांच के बाद इस मामले में सम्मिलित सभी आरोपियों पर कार्रवाई होने की पुलिस ने बात कही है। एवन कोठवार, क्या देखे यहाँ पे आज? बैल वगैरह काट रहे थे, उसी को देखे हैं। तो वीडियो में बनाए सुने मैं आपको? बनाए हैं। कितने लोग थे वहाँ पे काटते समय? 6-7 लोग थे। उन लोग काट के क्या कर रहे थे? बस कटिंग कर रहे थे, उसी को देखे हैं। तो कैसे पता चला आपको यहाँ पे काट रहे करके? बताए भैया। शिवारी नाम है मेरा, मैं बजरंग दल से हूँ। काशी से हमको सूचना मिली थी कि गौ हत्या है और गौ मांस का खा रहे हैं और वितरण किया जा रहा है जिनके द्वारा काटा गया है। जब यहाँ आकर दबिश पुलिस के साथ दिया गया कोरर पुलिस के द्वारा, तो घर के अंदर से मांस और कुछ पक रहा हुआ मांस दोनों मिला है, और गाय का पैर भी जो मिला हुआ है जो छुपा के रखा गया था। बाकी अपराधी तो भाग गए, पर एक व्यक्ति पकड़ में आया है, उसे कोरर पुलिस अभी उस पर कार्रवाई करेगी या पूछताछ करेगी। ये प्रशासन ढील है, प्रशासन का इसमें ढील है कि लोगों को किसी प्रकार का अगर अपन FIR कराते हैं या कुछ कराते हैं तो उनको आसानी से जमानत मिल जाता है। ये सब कारण है उनको छूट मिला हुआ है कि गौ हत्या आसानी से किया जा रहा है। उग्र आंदोलन का कोशिश कर रहे करना है, लेकिन ये हमारे समाज के ही कुछ लोग ही ये सब कर रहे हैं ना, तो ये पुलिस प्रशासन को पहले अपना जोर देना पड़ेगा कि इस प्रकार का जो हत्या होता है वो गौ हत्या बहुत बड़ा जुर्म है, इसको रोकना चाहिए। नाम नारद राम साहू, उप सरपंच ग्राम पंचायत मरकाटोला जी। हमारे ही गाँव के एक लड़का है, एवन कुमार कोठवार जी है, उनके माध्यम से हमको सूचना मिला कि हमारे गांव मरकाटोला नदी के उस पार तालाब के किनारे झील में कुछ कुछ लोग मांस का कटिंग कर रहे हैं ऐसे करके। वहां पे एक बैला था, बैला बैल उसको काट रहे थे, और 7-8 लोग थे वहां पे। हमारा साथी उसका वीडियो भी बनाया है, लेकिन उसमें कुछ कुछ लोगों को पहचान हो रही है। इससे पहले भी यहाँ पे ऐसी गाय की कटने की ऐसी घटनाएं सुनने को मिला था, लेकिन उतना मौके में हम लोग आके नहीं देखे थे, लेकिन आज हम लोग आके देखे तो वास्तव में वहाँ पे कटा हुआ मिला है, कुछ कुछ उसका मांस बचा हुआ है, खून का छींटा पड़ा हुआ है। क्या आपके गांव के तरफ से?